अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस इंटर केमिस्ट्री पार्ट वन इन ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट के टॉपिक को आज एस ब्लॉक एलिमेंट के एक टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इप्सम सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, इप्सम सॉल्ट क्या है और कहाँ यूज़ होता है और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, इप्सम सॉल्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज इन मेडिसन्स एंड एज अ रिएजेंट इन केमिकल लेबोरेटरीज। सो फ्रेंड्स, इप्सम सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है मेडिसन्स में और केमिकल लेबोरेटरीज में एज अ रिएजेंट यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इप्सम सॉल्ट का केमिकल फार्मूला हमारे पास है MgSO4.7H2O। MgSO4 भी कह सकते हैं, लेकिन इप्सम सॉल्ट में सेवन वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सेवन वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, 7H2O को भी हम क्या करते हैं, अक्सर मेंशन करते हैं इप्सम सॉल्ट के फॉर्मूले में। वैसे MgSO4 भी क्या है, इप्सम सॉल्ट ही है, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात आती है, तो क्या लगाते हैं हम, सेवन वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था। अब क्या है इप्सम सॉल्ट क्या है, अब हमें पता चला कि इप्सम सॉल्ट जो है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूज़ होता है मेडिसन्स में और केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर रिएजेंट के तौर पर क्या होता है, इप्सम सॉल्ट यूज़ होता है, जिसका केमिकल फार्मूला है MgSO4.7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट और सेवन वाटर के मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। सो फ्रेंड्स, इंटर के एग्जाम्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर क्या आता जाता है, इप्सम सॉल्ट जो है इसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, और कभी कभार इसकी जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड है ये भी क्या कहते हैं आ जाता है कि बैलेंस करें इस प्रिपरेशन ऑफ मेथड को, या फिर हमें आधी क्वेश्चन दे दी जाती है और आधी हमें क्या करनी होती है, खुद ही बैलेंस करनी होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इप्सम सॉल्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारे पास, बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन मैग्नीशियम। जब बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन मैग्नीशियम, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, व्हेन H2SO4 इज रिएक्टेड विद Mg, देन इप्सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस। जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इप्सम सॉल्ट आ जाता है और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। जैसे कि अब क्या है, MgSO4, Mg क्या हो गया, MgSO4 के साथ चला गया और H2 क्या रह गया, सेपरेट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इप्सम सॉल्ट आ गया। इसी तरह बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम क्या करें, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इप्सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस। जब हम क्या करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, MgSO4 प्लस H2O इप्सम सॉल्ट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनते हैं। बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, जब हम क्या करते हैं, व्हेन H2SO4 इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड रिएक्ट, देन इप्सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस। अब हम क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। फोर्थ मेथड है हमारे पास, बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम कार्बोनेट, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन इप्सम सॉल्ट इज प्रोड्यूस। जब क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और
कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बनता है। यूजेस की बात करते हैं, अब हमें पता चला इप्सम सॉल्ट में क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब हम क्या करते हैं सल्फोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब हम सल्फोरिक एसिड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। जब हम क्या करते हैं सल्फोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। फिर हम क्या करते हैं फोर्थ मेथड में क्या होता है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इप्सम सॉल्ट बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है। यूजेस की बात करते हैं, इप्सम सॉल्ट की यूजेस की बात करते हैं, इट इज़ यूज एज अ पर्गेटिव, प्रोगेटिव, ये क्या है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर, जो ये क्या है प्रोगेटिव मींस होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो मेडिसिंस होती है ना उसके अंदर भी इप्सम सॉल्ट क्या होता है यूज होता है। और इट इज़ यूज एज आ रिएजेंट इन केमिकल लेबॉरटरीज, केमिकल लेबॉरटरीज के अंदर रिएजेंट के तौर पर भी क्या होता है इप्सम सॉल्ट यूज होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इप्सम सॉल्ट अच्छे से समझ आया होगा, इसके मेथड, इसकी केमिकल फार्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।